मराठा आंदोलनकारी मनोज रांगे पाटिल ने 17 दिनों के बाद आज अपना अनशन खत्म किया है। गांव की महिलाओं के हाथों से पानी पीने के बाद मनोज रांगे पाटिल ने कहा कि उन्होंने अनशन खत्म किया है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। सत्रह दिनों से चल रहा अनशन टूट गया। मराठा आंदोलनकारी मनोज रांगे पाटिल ने गांव की महिलाओं के हाथ से पानी पिया और फिर अस्पताल ले जाए गए। अस्पताल जाते जाते मनोज रांगे पाटिल ने ऐलान किया कि उन्होंने अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन आंदोलन नहीं। 17 दिवस स्थगित करतोय, याचं रूपांतर सकाळी उपोषणात केलंय। इथंच रोज 4 मुलं इथं बसणार आहेत आणि राज्यभरातही मी आवाहन केलेलं आहे की शांततेत सकाळी उपोषण करायचं। तिन्ही उपोषणात माझ्या समाजाला न्याय मिळून दिलेला आहे, एकही वायाला जाऊ दिलेलं नाही। एकही सगळ्या याच्यात यशस्वी सगळ्यांना करून दिलेलं आहे। आजचं आता मी 1-2 दिवस 2-4 दिवस उपचार घेऊ, संचारबंदीमुळे समाजाला इकडे येता येत नाही, तर मी समाजाच्या दर्शनाला गावागावात चालतो। दरअसल मनोज रांगे पाटील उस आरक्षण बिल से खुश नहीं है जो शिंदे सरकार ने विधानसभा में पास कराया है। मनोज रांगे मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि मराठा आरक्षण बिल पास होने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया। मनोज रांगे पाटील ने आज से मुंबई कूच का ऐलान किया था, लेकिन जालना में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और मनोज रांगे को वापस अंतरावली सराटी लौटना पड़ा। अब शायद मनोज रांगे के पास अनशन तोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुके थे। जालना गेलो, नव्या मुंबईत गेलो आणि मुख्यमंत्री असताना मी कधी इगो ठेवला नाही, परंतु आता जी काही त्यांची भाषा आहे ती भाषा राजकीय भाषा मला वाटते आणि त्याच्या मागे कोणीतरी बोलतंय बोलवतंय अशा प्रकारचा वास येतोय आणि त्यामुळे यामध्ये कुठल्याही राजकारणाला बळी न पडता मराठा समाजाने आपल्याला सरकारने दिलेला निर्णय जो आहे हा सरकारने दिलेला निर्णय पूर्णपणे विचारांती निर्णय घेतलेला आहे। मुख्यमंत्री शिंदे के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर मराठा आंदोलनकारियों को धमकी देने का आरोप लगाया है। इस प्रकार की धमकी की भाषा महाराष्ट्र में या देश में अगर कोई करता है तो सरकार चाहे किसी की भी हो वो उस बारे में कार्रवाई करेगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मनोज रांगे पाटिल एक बात कहता है कि उनकी भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी के लोग हैं, भाड़े के तट्टू हैं, उनकी भाषा कैसी है आपने देखी? पुलिस के बारे में क्या बोलते हैं, अपने अपोजिशन के बारे में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अब रांगे जी ने एक बात कही है तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपके लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं महाराष्ट्र में? इस बीच मराठा आरक्षण को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। जालना से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो।